सेशन विद एंड राधा सिंह और आज मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए कोई भी हॉल वीडियो नहीं लेके आई हूँ, कोई भी मेकअप वीडियो नहीं लेके आई हूँ। आज की वीडियो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो हमें भूल के भी नहीं करनी चाहिए। और अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी वेबसाइट्स अभी तक मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस रही है और कौन सी वेबसाइट्स मेरे लिए वर्स्ट एक्सपीरियंस रही है। तो पूरी ही वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं जी, किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, तो सबसे पहले आपको उस वेबसाइट की बहुत ही अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। मींस उसके सारे ही टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता होने चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ के जान सकते तो आप यूट्यूब से भी बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं अबाउट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। और जब भी आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेबसाइट ट्रस्टवर्दी हो। जब भी आप वेबसाइट डाउनलोड करते हो तो आपको वहाँ पे कस्टमर के फीडबैक्स भी मिल जाते हैं अबाउट द वेबसाइट, तो आप उसको पढ़ के भी आइडियाज़ लगा सकते हैं। उसके बाद जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हैं वेबसाइट में, सर्च कर रहे हैं, तो हमेशा ही प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे से देखिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपकी ड्रेस है या जो भी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं वो इमेज में कुछ और लग रही है बट एक्चुअल में कुछ और होती है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लीजिए। जो भी प्रोडक्ट होता है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन दिया होता है, तो आप उसको पढ़ के प्रॉपर आइडिया लगा सकते हैं अबाउट दैट प्रोडक्ट। उसके अलावा कोशिश कीजिए कि आप वही प्रोडक्ट्स परचेज करें जिनकी रेटिंग्स 4+ हो। मीन्स अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें उसको प्रोडक्ट को रेटिंग दी होती है 4+ या 3.2 या समथिंग, तो हमेशा ही 4+ रेटिंग वाले ही प्रोडक्ट्स आप परचेज कीजिए। उसके अलावा आपको नीचे कमेंट सेक्शन भी मिल जाता है जिसमें कि कस्टमर्स ने अपने फीडबैक लिख रखे होते हैं अबाउट द प्रोडक्ट। और अगर आप पूरा श्योर हो जाते हैं कि प्रोडक्ट में फीडबैक्स बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स की रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं, तो आप डेफिनेटली प्रोडक्ट्स को परचेज कीजिए और अपनी शॉपिंग को इंजॉय कीजिए। नेक्स्ट, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो प्रोडक्ट के MRP पे मत जाइए। उसकी जो हिडन चार्जेस होते हैं, लाइक उसमें डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं या फिर उसके अलावा कभी कुछ कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है रिटर्न के टाइम, तो आप उस चीज़ का भी डेफिनेटली ध्यान रखिए कि आपसे कहीं कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लिया जा रहा MRP के अलावा, जो कि अगर आप लोकल मार्केट में परचेज करेंगे तो आपको वो शायद कम प्राइस में मिल जाएगा, तो ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखिए। उसके बाद आपके साथ एक और ट्रिक शेयर करूँगी कि मैं जब भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती हूँ, जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च कर रही होती हूँ, तो जैसे सपोज मैं किसी भी एक कैटेगरी में प्रोडक्ट सर्च करती हूँ, सॉर्ट बाय ऑप्शन पे जाती हूँ और वहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं लाइक प्राइस हाई टू लो, प्राइस लो टू हाई, एज पर पॉपुलैरिटी और रेलिवेंस, तो ये कुछ 3-4 ऑप्शंस हैं। तो अगर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, मीन्स अगर आपको मिनिमम प्राइस से लेकर के हाईएस्ट प्राइस तक देखना है, तो लो टू हाई ऑप्शन पे क्लिक करके आप वैसे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा सर्चिंग कर रहे हैं और हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाएंगी जो कि हमारे लिए एकदम यूजलेस है, तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, क्यों ना जो सॉर्ट बाय फीचर होता है उसका यूज़ करें। उसी के अलावा आपको फिल्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है कि जिसमें कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट का जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसका कलर या फिर उसका ब्रांड का नेम या फिर उसका साइज, प्रोडक्ट का टाइप, तो बहुत सारे आपको फिल्टर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जब भी आप प्रोडक्ट का साइज चूज कर रहे हैं उसमें आपको साइज चार्ट भी मेंशन होता है जिसमें आप प्रोडक्ट का साइज अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और वैसे तो आपको रिटर्न की फैसिलिटी मिल जाती है तो ये डाउट भी क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, हम जो प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे होते हैं उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, प्रोडक्ट आता है बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है या बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो वो चीज़ ना हो इससे बचने के लिए मोस्ट प्रोबेबली आप थोड़ा सा बड़ा साइज ही ट्राई कीजिए, क्योंकि छोटा तो आप बिल्कुल ट्राई भी नहीं कर सकते। उसके बाद जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं तो उसकी रिटर्न इंस्ट्रक्शंस हमेशा ध्यान से पढ़िए
कि उसमें रिटर्न्स की क्या है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें 6 to 7 days का रिटर्न पॉलिसी होती है, कुछ प्रोडक्ट्स में 9 to 10 days की, कुछ प्रोडक्ट्स में मंथ का भी रिटर्न पॉलिसी होती है, और कुछ प्रोडक्ट में रिटर्न पॉलिसी होती ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट रिसीव कर लें और बाद में आपको पता चले कि उसकी रिटर्न फैसिलिटी है ही नहीं। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसका ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो एक सिक्योर्ड पेमेंट मोड यूज़ करें। आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी OTP है या कुछ भी कोड आता है आपके पास वो किसी के साथ शेयर ना करें। वैसे तो ऑनलाइन जो भी अच्छी वेबसाइट्स होती हैं उसमें ऑलरेडी सिक्योर होती हैं पेमेंट सर्विसेज, बट स्टिल आप ज़रूर अपने एंड से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कई बार क्या होता है कि जो भी डिलीवरी पर्सन आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने आ रहा है वो आपसे एक OTP नंबर मांगता है फॉर द डिलीवरी। तो आप उसको डिलीवरी का OTP नंबर देते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है। उसको OTP बता रहे हैं तो वो या तो फिजिकली आपके सामने होना चाहिए या फिर जो भी आपका फैमिली मेंबर है जिसे भी जो भी प्रोडक्ट रिसीव करने वाला है आप उसके सामने ही उसको OTP बताए। अदरवाइज OTP नंबर देने के बाद अगर वो कहीं भी डिलीवरी करता है तो आपके लिए कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है कि जिसके बाद आपको रिफंड मिल सके। और जब भी आप शॉपिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऑफर्स में या फिर कैशबैक्स में मत फंसिएगा। मीन्स अगर आपको वेबसाइट में कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ ऑफर मिल रहा है तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए, बट कई बार कुछ फ्रॉड मैसेजेस आ जाते हैं या फिर कुछ स्क्रीन पे कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट आ जाता है जिसमें कि आपको कैशबैक के लिए ऑफर कर रहे होते हैं या कुछ भी। तो ऐसा कोई भी चीज़ में मत फंसिए जब तक आपको उसके बारे में प्रॉपर कम्प्लीट नॉलेज ना हो। ये सभी कुछ टिप्स थी जो कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं स्टार्ट में तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और अब बात करते हैं जो मेरी बेस्ट एक्सपीरियंस्ड वेबसाइट रही है या फिर वर्स्ट एक्सपीरियंस्ड। तो पहले मैं ये बता दूं कि मैं किसी भी वेबसाइट को डिफेम नहीं करना चाहती डेफिनेटली, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बोल रही हूँ। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा भी है दैट विच वेबसाइट इज़ बेटर, मीशो और फ्लिपकार्ट। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैंने मीशो से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि लास्ट कुछ सर्विसेज में मुझे मीशो से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। जो मैंने ये टॉप पहना हुआ है ये भी मैंने मीशो से ही परचेज किया था। कुछ प्रोडक्ट्स अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, एकदम वाव प्रोडक्ट्स आते हैं, बट कुछ प्रोडक्ट्स जो भी पिक्चर दिखाई होगी उसके एकदम रेप्लिका बोल सकते हैं हम उसको, एकदम अलग ही प्रोडक्ट आपको रिसीव हो जाता है। तो वो तो एक बार को फिर भी हम एक्साइट कर सकते हैं कि हाँ रिटर्न हो जाएगा। बट एक बार मेरे साथ एक इशू हुआ था कि जब मैंने प्रोडक्ट को रिसीव किया तो उस प्रोडक्ट के अंदर मुझे कुछ कपड़ों की कतरन रिसीव हुई, मीन्स जिसको कि आप एग्जैक्टली कूड़ा बोल सकते हैं। तो वो मुझे उस पैकेट के अंदर रिसीव हुआ। जब डिलीवरी पर्सन ने दिया तो वो पैकेट मैंने रिसीव किया, उसको कटिंग करके देखा तो उसके अंदर मुझे ये सारी चीज़ें मिली, और उसको मैंने फ़ोटो क्लिक करी तुरंत ही। और जो भी मीशो की वेबसाइट है जब भी आप उस पर रिटर्न के लिए कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपसे पिक्चर ज़रूर मांगते हैं, तो मैंने वो पिक्चर वहाँ अपलोड कर दी, बट उसके फेवर में कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और बहुत ज़्यादा टाइम तक, मीन्स अराउंड 1.5 months तक मेरा वो प्रोडक्ट ड्यू ही रहा, क्योंकि मुझे यही बोला जा रहा था कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है ये एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है, बट मैं क्या देती जब मेरे पास वही प्रोडक्ट आया है। उसके बाद फिर भी मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया कि हाँ ठीक है ये गलती से हो गया होगा। उसके बाद अगेन मैंने एक कुछ चिकनकारी कुर्ती परचेज करी थी, और जैसे कि मैंने अभी आपको एक पॉइंट भी बताया था कि आप OTP नंबर ना बताएं टू दैट डिलीवरी पर्सन। तो जब मुझे वो कुर्ती रिसीव होने वाली थी तो दैट टाइम आई वॉज इन माई ऑफिस, तो मेरे घर से मेरे फैमिली मेम्बर को प्रोडक्ट रिसीव करना था, तो उस डिलीवरी पर्सन ने मुझसे वो OTP नंबर मांगा कि मैम प्लीज़ गिव मी दैट OTP नंबर देन आई विल डिलीवर दैट प्रोडक्ट ऑफ योर्स। तो आई वॉज लाइक ओके ठीक है। तो मैंने उनको OTP नंबर बताया, उसके साथ अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताया कि आपको कहाँ पे और किसको प्रोडक्ट डिलीवर करना। उसके बाद मुझे OTP का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता जल्दी कि डिलीवरी के लिए OTP नंबर मांगा जाए, बट वो मुझसे मांगा गया। और जब मैं घर पे आई और मेरे पास डिलीवरी का स्टेटस आया और तो मुझे रिसीव ही नहीं हुआ, और जैसे ही मैंने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट दी तो मुझे मीशो से कस्टमर केयर सर्विस से यही रिस्पॉन्स मिला कि आपको
जो भी डिलीवरी कंपनी होती है आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा. एंड आई थिंक विच इज़ वेरी टफ फॉर मी कि मैं एक प्रोडक्ट के लिए आई थिंक उस प्रोडक्ट का प्राइस वॉज अराउंड 600 समथिंग, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है ऑब्वियसली. तो फिर मैंने उस चीज़ को फिर अगेन छोड़ ही दिया. तो जिस प्रोडक्ट में मुझे कुछ कूड़ा रिसीव हुआ था तो उस प्रोडक्ट का तो मुझे रिफंड मिल गया था. मैंने मेल करी और फीडबैक्स दिए तो उसके बाद अराउंड 1.5 मंथ के बाद मुझे उसका रिफंड मिल गया था. बट जो प्रोडक्ट रॉन्ग डिलीवर्ड हुआ है उसका मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं मिला, जिसके बाद मैंने मीशो की वेबसाइट से कुछ भी परचेज करना छोड़ दिया. और उसके बाद अगर हम फ्लिपकार्ट और मिंत्रा की वेबसाइट के बारे में बात करें, तो अगर आपको बजट का कोई भी इशू नहीं है, लाइक अगर आपको कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा रिसीव होना चाहिए, अमाउंट इज नॉट अ बिग डील, तो आप डेफिनेटली मिंत्रा से परचेज कीजिए. उसमें आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप डेफिनेटली मिंत्रा के लिए जा सकते हैं. बहुत अच्छी सर्विसेज है मिंत्रा की. उसके अलावा अगर आप लेटेस्ट प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं, कम प्राइस में परचेज करना चाहते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई से लेकर के बहुत ज़्यादा लो तक, लो से लेकर के हाई तक हर क्वालिटी में आप अगर परचेज करना चाहते हैं, तो फॉर मी फ्लिपकार्ट इज द बेस्ट वन. अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और इनके सर्विसेज में मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई. इजी रिटर्न पॉलिसी भी होती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिंत्रा में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ओवरऑल फॉर मी मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट इज द बेस्ट वन और मीशो इज नॉट दैट मच गुड फॉर मी. एंड आई होप नोबडी विल माइंड कि अगर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हो सकता है आपके लिए वो अच्छा रहा हो, मेरे लिए अच्छा ना रहा हो. एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा. बाय बाय.